हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजिली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ द डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे कि डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या थी, उन्होंने अपनी इस थ्योरी में मैटर के, एलिमेंट के, कंपाउंड, मिक्सचर, इनके सबके स्ट्रक्चर के बारे में बात किए थे। इसके अलावा उन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज के बारे में भी बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन दिया था। लेकिन उनकी इस थ्योरी में भी कुछ लिमिटेशंस थी, वो लिमिटेशंस क्या थी चलिए समझते हैं। तो एग्जैक्टली जो डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी वो काफ़ी सक्सेसफुल थी, ओके। चाहे उन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था, लेकिन ये जो उनका एटॉमिक थ्योरी थी ये सेटिस्फाई नहीं करती थी गैलुसेक के लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स को, ओके। तो यानी कि यहाँ पे गैलुसेक के लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स के इसमें डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हो चुकी थी, ओके। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इस थ्योरी ने लिमिटेशंस को सफ़र किया, उन्होंने फेस किया कि हाँ इस थ्योरी में भी कुछ प्रॉब्लम है। अब एग्जैक्टली लिमिटेशंस क्या क्या हैं, तो पांच लिमिटेशंस समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहली लिमिटेशन थी कि ये जो डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो एक्सप्लेन कर सकती थी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को सिर्फ और सिर्फ वेट के बेस पे, वॉल्यूम के बेस पे नहीं कर पा रही थी। इसी की वजह से वो गैलुसेक का जो लॉ था वॉल्यूम को लेकर के वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ओके स्टूडेंट्स। सेकेंड लिमिटेशन थी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का मास, साइज एंड वैलेंसी आपने बोले डिफरेंट होती है, ठीक है, पर ऐसा क्यों होता है इसका रीजन एक्सप्लेन करने में वो फेल हो गए थे, ओके स्टूडेंट्स। थर्ड लिमिटेशन थी कि कोई भी दो एटम्स को, चाहे वो सेम एलिमेंट के हो या फिर डिफरेंट एलिमेंट के हो, दो एटम्स को कंबाइन करने पे मॉलिक्यूल्स क्यों बनता है उसका रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ओके स्टूडेंट्स। एंड द फोर्थ लिमिटेशन वॉज कि जब कभी एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में जब ज्वाइंट होते हैं, ओके, तो एक बाइंडिंग फोर्स से वो ज्वाइंट होते हैं, आपस में अटैच होते हैं, राइट, तो उस केस में उनका जो बाइंडिंग फोर्स का जो नेचर था उसको भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे। जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स होता है उनके बीच में, राइट, कोई भी आप सॉलिड ले रहे हैं, लिक्विड या गैस की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे उनके एटम्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो उस फोर्स को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी। एंड द लास्ट लिमिटेशन वॉज कि इस डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बेस पे उन्होंने एटम्स एंड मोलिक्यूल्स के बीच में जो क्लियर कट डिस्टिंक्शन यानी कि क्या डिफरेंस है वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।